वो सारी स्टाइल मिस्टेक्स जो अपनी ड्रेसिंग को पूरी तरीके से खराब कर रही है, मतलब अब तो हद ही हो गई है यार, उनको आज एक एक करके डिस्कस करेंगे और उनका 100% सोल्यूशन भी दूंगा मैं आपको आज इस वीडियो में। और वीडियो के बिल्कुल एंड की बोनस टिप में आज मैं आपको एक स्पेशल स्टाइल का मंत्र बताऊंगा। इस स्पेशल टिप को सीखने के लिए मेरे को भी काफी टाइम लग गया था यार, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके पूरे फैशन और स्टाइल के पूरी थिंकिंग पूरी लाइफ स्टाइल चेंज कर देगा। तो पूरी वीडियो जरूर से एंड तक देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। टिप फर्स्ट, बड़े बड़े लोगोज वाले लोकल कपड़े या शूज पहनना। यार इस पर्टिकुलर मिस्टेक का तो बवंडर ही आया हुआ है आजकल। मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ, मेरे को एक ना एक बंदा या तो सुप्रीम या ऑफ वाइट या गुची के लोकल कपड़े या जूते पहनते हुए दिखता ही है। और मतलब लड़के इतने स्वैग में, इतने टशन में निकलते हैं कि पूछो मत, इतना कॉन्फिडेंस होता है उनमें। लेकिन मैं फ्रेंकली आपको बताऊं तो यार सबको पता लगता है कि यार ये सारे लोकल कपड़े हैं जो आपने ठेले से लिए हुए हैं। तो इसलिए ये फैशन मिस्टेक करना तो खास कर बंद करो सबसे पहले। इन पर्टिकुलर लोकल कपड़ों की जगह आप हमेशा न्यूट्रल कलर के कपड़े या अर्थ टोन कलर के कपड़े ही प्रेफर करें। इनको किसी भी इवेंट में पुल ऑफ करना बहुत इजी है और ये आपको हमेशा स्टाइलिश और मैनली ही दिखाएंगे। नंबर सेकंड, पुराने सोल वाले शूज पहनना। अब यार मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको कई बार बताया है कि कोई भी बंदा आपको पहली बार देखता है तो सबसे पहले आपके शूज ही नोटिस करता है। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए आप अपने शू के सोल्स को या लेसेस को साफ करके रखें। इसके लिए अगर मैं आपको अपनी तरफ से कोई बेस्ट टिप दूं तो आप दो शूज रोटेशन में चला सकते हैं। अब वो शूज में भी एक एथलीजर या एक फ्लैट सोल स्नीकर हो सकता है या दो एथलीजर स्नीकर्स हो सकते हैं जिनको आप ऑल्टरनेट डेज या दो दो या तीन तीन दिन का गैप देके पहन सकते हैं। और फिर अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपने नीड से, आपको जब भी अपने शूज गंदे दिखें आप गीले कपड़े का यूज करके या फिर उसमें सर्फ लगा के उनको साफ कर सकते हैं। क्योंकि ये तो सिंपल लॉजिक की बात है कि शूज ग्राउंड में टच होने के लिए ही बने हैं और वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गंदे भी होते हैं बहुत जल्दी। तो आपको उनकी क्लीनलीनेस का भी उतना ही या थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है जितना आप अपने अपर वेयर शर्ट टी शर्ट या लोअर वेयर जीन्स या पैंट का ध्यान रखते हो हमेशा। नंबर थर्ड, तड़क भड़क वाले या चमकीले कपड़े पहनना। अब यार सच्ची बताओ, दिल पे हाथ रख के जो जो ये कपड़े पहनते हैं कि यार आपको किसने सिखाया ये, मेरे को उसका नाम बता दो बस एक बार। लेकिन यार ऑन द सीरियस नोट, ये जो चमकीले तड़क भड़क वाले कपड़े हैं ये आपको कभी स्टाइलिश नहीं दिखा सकते, ये आपको जोकर ही दिखाएंगे हमेशा। तो स्पेशली लड़कों के केस में भले टॉप वेयर हो या बॉटम वेयर हो, आपको चमकीले कपड़े बिल्कुल ही अवॉइड करने हैं। तब तक आप ये ध्यान रखो यार कि सिंपलिसिटी में ही क्लास है। आप दुनिया भर के न्यूट्रल कलर्स, अर्थ टोन कलर्स, लाइट पिंक, बेज, मस्टर्ड कुछ भी पहन सकते हो, बस ये तड़क भड़क चमकीले कलर से दूर रहना। नंबर फोर्थ, बिल्कुल भी एक्सेसरीज अपनी आउटफिट्स में ऐड नहीं करना। यार एक पर्टिकुलर कोट आप हमेशा ध्यान रखना कि क्लोथ्स मेक अ मैन एंड एक्सेसरीज मेक एन आउटफिट। इसका मतलब ये है यार कि एक्सेसरीज आपके पूरे आउटफिट को कंप्लीट करती है, उसके बिना आपकी पूरी आउटफिट अधूरी ही लगती है हमेशा। मैंने कुछ मंथ्स पहले एसेंशियल एक्सेसरीज की एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें कुछ हेट कमेंट्स आए थे कि यार तू हमको छपरी बनाएगा, तू हमको टपोरी बनाएगा। लेकिन उस वीडियो के बोनस टिप में मैंने क्लियरली बताया था कि आपको दो या तीन स्टैंडर्ड नंबर ऑफ एक्सेसरीज अपनी आउटफिट्स में ऐड करनी चाहिए। आप कोई एक पर्टिकुलर सिग्नेचर एक्सेसरी बना सकते हो अपने लिए, खुद के लिए, और उसको अपनी ज्यादातर आउटफिट्स में पहन सकते हो। जैसे यार आजकल मेरे को ये पर्टिकुलर थ्रेडेड ब्रेसलेट बहुत पसंद आ रही है जिसको मैं अपनी ज्यादातर आउटफिट्स में पहनना पसंद करता हूँ। वैसे ही आप भी अपने लिए कोई एक सिंपल स्टैंडर्ड एक्सेसरी जिसमें आप सबसे कॉन्फिडेंट फील करें वो पहन सकते हो। पर अगर आप बिल्कुल भी एक्सेसरीज नहीं पहनते और आपको पसंद भी नहीं है पहनना, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा आपको कि आप एटलीस्ट एक वॉच तो पहनना स्टार्ट करो। मैंने रिसेंटली एक बजट वॉच अपने कलेक्शन में ऐड करी है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, मेरे को उस वॉच की कंपनी ने एक रुपया भी नहीं दिया। मैं बस ये चाहता हूं कि मेरे भाई लोग सारे के सारे एक्सेसरीज पहनना स्टार्ट करें और अपनी आउटफिट को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। नंबर फाइव, वेयरिंग इल फिटिंग क्लोथ्स। अब यार इससे मेरा मतलब ये है कि टॉप या बॉटम कोई भी कपड़ा अगर आपने ढीला या छोटा या फिर
टाइट पहना है तो वो इल फिटिंग की कैटेगरी में ही आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टी शर्ट पहनी है जो नेक के एरिया से काफी लूज है और उसके आर्म्स भी आप पे सही फिट नहीं आ रहे हैं, या फिर आपने कोई शर्ट पहनी जिसकी लेंथ तो काफी सही है लेकिन वो साइड से काफी ढीली है और उसके आर्म्स भी आपके आर्म्स की लेंथ के नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो सारे कपड़े इल फिटिंग क्लोथ्स में ही आते हैं और आपको उनको किसी भी कंडीशन में या तो टेलर करना है या फोल्ड करना है, एक ऐसी पोजीशन तक पहुंचना है कि आप जो भी कपड़े पहने वो आप पे बिल्कुल वेल फिटेड हो और वो आपके बॉडी के फ्रेम को बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करें। सिमिलरली फॉर्मल या कैजुअल पैंट्स या जीन्स के केस में भी यही सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा। पैंट या जीन्स लूज या टाइट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपके फ्रेम के हिसाब से ही होना चाहिए। मेंस फैशन या स्टाइल 70-80% फिट पे ही स्टार्ट होता है और फिट पे ही खत्म हो जाता है, तो इसलिए फिट का तो आपको सबसे प्राइमरी बेसिस पे ध्यान रखना ही है भले ही आप कुछ भी पहनो। अब फाइनली वीडियो की बोनस टिप में वो सीक्रेट फैशन मंत्र जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं आपको बताऊंगा। उस पर्टिकुलर टिप में मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी स्टाइल या हेयर स्टाइल जो भी ट्रेंड में है और जो सब लोग कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो आपको भी करनी जरूरी है 100%। आपका भी एक यूनिक स्टाइल है, एक यूनिक पर्सोना है जिसको आपको हमेशा फॉलो करना है और ऐसे ही कपड़े पहनने हैं जो आपको हमेशा कॉन्फिडेंट दिखाएं। 2020 या 2021 में जो भी ट्रेंड आए उसके पीछे नहीं भागना है कभी भी, और वो कपड़े जिसमें आपको मोस्ट कॉन्फिडेंट फील हो वो ही पहनना है हमेशा। भले ही आपके फेवरेट एक्टर या फैशन मॉडल वो पहन के घूम रहे हैं, अगर आपको वो 100% नहीं समझ में आ रहा तो आपको बिल्कुल भी मत पहनो। दुनिया भर के ट्रेंड आते हैं हर साल, जैसे इस साल बेल बॉटम जीन्स से लेकर कलर्ड क्लोथिंग तक सब आ रखे हैं, लेकिन इसका मतलब भी ये नहीं है कि मैं इन सारे ट्रेंड्स को अपनाता हूं और अप टू डेट रहता हूं इनके साथ। मेरे को भी जो पर्टिकुलर क्लोथ्स अच्छे लगते हैं, जो मेरी बजट में होते हैं और जो ट्रेंड मेरे को पसंद आते हैं, मैं उनको ही उठाता हूं हमेशा। इसलिए मैं खुद भी आपके लिए यही चाहता हूं कि आप अपनी स्मार्टनेस यूज करके अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से फैशन करें। मैं होप करता हूं आपको ये कमाल की वीडियो बहुत सही लगी होगी। आप मेरी मेंस फैशन प्लेलिस्ट और मेरी फेस रिवील की वीडियो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो यार।